हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट प्राइम। वेल, आज का ये वीडियो है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है, जिन्होंने अभी अभी 12th के एग्जाम दिए हैं। ये वीडियो है उनके लिए। अब देखो, हमने क्या देखना है, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं 12th के बाद कि 12th के बाद क्या करें, है ना, कॉलेज कैसे डिसाइड करें, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो देखो, जो PCM के बच्चे हैं वो JEE तो देते ही देते हैं, है ना, और जो बायो के बच्चे हैं वो नीट देते ही देते हैं। अब जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक और बहुत शानदार एग्ज़ाम आ गया है। ये एग्ज़ाम मेरा पर्सनल फेवरेट है, इट इज़ CUET, क्यूट नहीं CUET, ठीक है, बट बेटर देन क्यूट। अब देखो, CUET क्या है, ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है सेंट्रल लेवल पे, जिसमें आपको सेंट्रल लेवल की 45 यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल होंगे, जैसे कि BHU DU JNU, ये सारी प्लस 45 मोर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। ये है CUET। तो जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, वट एवर योर डोमिनियन बी, है ना, आपका जो कुछ भी डोमिनियन था, इट्स ओके, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ नया है। ये जो एग्ज़ाम आया है, ये जो हमारा CUET आया है, ये आया है हमारा 2022 में। तो दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, है ना। अच्छा, इसके पहले भी एक बार ये एग्ज़ाम हो चुका है, पर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी तो कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन है तो कोई नहीं, हम भी हैं, है ना, आपको गाइड करने के लिए, नेविगेट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो अब देखिए, 12th के बाद ये कुछ हमने देख लिया कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमने देख लिया कि एग्ज़ाम है। अच्छा हाँ, एक और वीडियो है जो साकेत सर ने बनाया था रिगार्डिंग कि सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो येट, आई रिकमेंड यू कि जाओ पहले एक बार वो वीडियो भी देख लो, है ना, एक बार वो वीडियो भी देख लो। अच्छा, अब टॉकिंग फॉर MP में बच्चों को बड़ी सारी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि MP में ना कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि BHU, जैसे कि DAVV। तो अब बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि जो हमारा DAVV था वो तो एक लेता था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET करके लेता था, तो अब वो CET का क्या हुआ। अब वो CET लेगा या वो CET नहीं लेगा, अब आपको अगर DAVV में एडमिशन चाहिए तो कैसे मिलेगा। तो देखिए, DAVV में एडमिशन के लिए भी अब आपको CUET ही देना है, DAVV में एडमिशन के लिए भी अब आपको CUET ही देना है, है ना। अब देखिए, ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी के कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं। आप एक बार बैठिए और डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फाइनेंस पढ़ना है, अगर आपको फाइनेंस में ऑनर्स करने हैं, है ना, तो आप एक बार देखिए कि कौन कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू CUET क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा CUET का एग्ज़ाम होना है वो 3 सेक्शन में होना है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 है लैंग्वेज। सेक्शन 2 क्या है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, देन सेक्शन 3 क्या है, दिस इज़ मोर ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 1 जो आपका इंग्लिश का है, सेक्शन 2 जो आपका मेन सब्जेक्ट है, और सेक्शन 3 जो आपका GK का है। नाउ मोस्टली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो टेक्निकल बच्चे होते हैं, टेक्निकल बच्चे मतलब कि PCM, PCB वाले बच्चे जिन्होंने ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी नहीं होती हैं, उनके लिए कई यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी रख रखा है, सेक्शन सी नहीं है। ऐसे ही
कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी है हमारे नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए, उनको सेक्शन बी नहीं देना है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जैसे हम बात कर रहे थे डी ए वी वी की, सिमिलरली डी ए वी वी के साथ भी है, डी ए वी वी का भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। तो एक बार आप वेबसाइट में जाइए और नोटिफिकेशन चेक कीजिए, आप एक बार बैठिए और चेक कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, क्या वो सब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर वो सब्जेक्ट अवेलेबल है तो सब्जेक्ट के लिए आपको किस किस सेक्शन के लिए पढ़ना है, है ना। वेल, अगर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी तो हमने इसके लिए भी आपको एक वीडियो बनाया है। वैसे आप मेहनत कीजिए, पर हेयर वी आर टू गाइड यू टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू, सो वी हैव डन दैट। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम कैसे चूज़ करें या क्या चूज़ करना है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हमने आपके लिए कर दी हैं। कौन कौन से सेक्शन के एग्ज़ाम आपको देने होंगे, जैसे मैंने कहा कि तीन सेक्शन हैं, है ना। हमारे डी ए वी वी में भी सी ओ ई टी ही होने वाला है, सी ओ ई टी ही होने वाला है, इसमें तीन सेक्शन होंगे। आपको किस सब्जेक्ट के लिए किस सेक्शन का एग्ज़ाम देना होगा, उस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या टाइमिंग होगा। अब देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने टाइमिंग होगा, क्या टाइमिंग होगा, वो तो बड़ा ही स्टैटिक चीज़ है ना, वो तो सबको पता है। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो हमारा सेक्शन वन है, सेक्शन वन के लिए क्या टाइम है, सेक्शन टू के लिए क्या टाइम है, सेक्शन थ्री के लिए क्या टाइम है, एंड क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न, एज एकदम ही नया है तो एक बार सिलेबस पढ़ के हम पैटर्न एनालाइज कर सकते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके हम ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि जैसी चीज़ें प्रीवियस ईयर में आई हैं वैसी ही चीज़ें आएंगी। देन हमने आपके लिए अगेन वीडियोस बनाने हैं एनालिसिस पे, है ना। हम और आप मिल करके एनालाइज करेंगे कि कैसे हमें साथ में इन चीज़ों को सिंपली पढ़ना है और कैसे हम दो महीने के टाइम में क्रैक कर सकते हैं अपना ये एग्ज़ाम। ऑल्सो नेविगेट प्राइम अब आपके लिए एक ऑफलाइन बैच लेकर के भी आ रहा है। ऑनलाइन तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, पर मुझे पता है कि कई बार ना हमें पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वेल, इफ़ यू कैन डू सेल्फ स्टडीज़ वेरी गुड, यू शुड डू सेल्फ स्टडीज़। हम आपको उसमें भी गाइड करेंगे, आपको सेल्फ स्टडीज़ कैसे करनी है हम उसके लिए भी वीडियोज़ लेकर के आएंगे। ओके, अब आपको और भी ज़्यादा गाइड करने के लिए, आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए हम ला रहे हैं ऑफलाइन कोर्स। ऑल्सो हम ऑनलाइन कोर्स भी लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको पर्सनल वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए तो आपके लिए है ऑफलाइन बैच जो 5th of May से स्टार्ट हो रहा है। ऑल्सो एक ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स भी है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हम इंदौर तक नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इट्स ओके, आप अपने घर पर घर के कंफर्ट में बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ YouTube पर तो हम आपको वीडियोस ला करके आएंगे ही, YouTube पर तो हम आपके लिए वीडियोस ला ही रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शंस होता है, थोड़ा सा रिसोर्सेज का रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हम आपको कंप्लीट कंटेंट नहीं दे पाते हैं, है ना। दैट्स वाई हमने आपको पर्सनल गाइडेंस के लिए एक ऑफलाइन कोर्स लेकर के आ रहे हैं, एंड हम आपके एक ऑनलाइन गाइडेंस के लिए एक ऑनलाइन बैच भी लेकर के आ रहे हैं। विच एवर यू फील कम्फर्टेबल यू कैन ज्वाइन इट। फॉर फर्दर क्वेरीज आपको डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर मिल जाएगा, डू कॉल ऑन इट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आर डी ए वी वी। देखिए अब डी ए वी वी का जो ये एग्ज़ाम हो रहा है सी ओ ई टी, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मेरी रह गई थी, है ना, अच्छी चीज़ें लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ मैं। तो 12th में आपके कितने परसेंट आए, 12th में आपको लाने हैं 90%, 95%, 50%, कितने परसेंट आए आपके 12th में। वेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 12th में कितने परसेंट आए, 90% आए, 95% आए या 50% आए, क्योंकि वो परसेंट हमारे सी यू ई टी में नहीं काउंट होंगे। आपके 12th के परसेंट आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में सी यू ई टी में काउंट नहीं होंगे। सी यू ई टी में आप जो मार्क्स लेकर के आते हैं वही मार्क्स काउंट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मैं और काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आऊँगी बताने के लिए कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दो मंथ में कोर्स कंप्लीट करने के लिए, क्या होने वाला है क्वेश्चंस का पैटर्न, कितना टाइम मिलेगा हमें किस सेक्शन में, हमें किस किस सेक्शन को चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट, है ना। वैसे एक वीडियो ऑलरेडी है साकेत सर का, वो आप सब ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सी ओ ई टी क्या है ना, सिलेबस क्या है और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you so much.